दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी के बाकी सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना यह स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि चुन्नी और शान वेंडिगो से बचते बचाते हुए वहाँ से काफ़ी तेजी से भागने लगते हैं। वो लोग नीचे पहुँचे ही थे कि तभी चुन्नी का पैर फिसल गया और वो भागते भागते वहीं पर गिर गया। लेकिन शान उसे अनदेखा कर वहाँ से जाने लगा। शायद शान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए वह चुन्नी की मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं रुकता है और वहाँ से वो चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वेंडिगो नीचे आ जाता है और वह चुन्नी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी स्कैरी तरीके से वो चुन्नी के पास आकर खड़ा हो जाता है और हंसने लग जाता है। थोड़ी देर हंसने के बाद वेंडिगो चुन्नी की रोह को निकालने लग जाता है। अब लगता है चुन्नी की मौत होने वाली है। इस बात से अनजान शान वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। शान को ये बात नहीं पता है कि वेंडिगो चुन्नी की रूह को निकाल रहा है और वो थोड़ी देर में चुन्नी की रूह को निकाल लेगा और फिर चुन्नी कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। इस बात से बेखबर है शान और तभी वो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। लेकिन तभी शान रुक क्यों गया? शान को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख कर वो वहीं रुक जाता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन शान ने ऐसे भी किस आदमी लोगों को देख लिया, ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। शान देखता है कि वहाँ पर बाबा, गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप और बाइक से शान के ही पास आ रहे हैं। ये लोग अभी बहुत ही दूरी पर हैं, इसलिए इन लोगों को शान दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन थोड़ी तेज गाड़ी भगाने के बाद इन लोगों को शान दिखने लग जाता है और फिर ये लोग शान के पास ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, और फिर ये लोग शान के पास अपनी गाड़ी को ले जाकर रोक देते हैं। शान के पास आते ही ये तीनों लोग अपनी अपनी गाड़ी और बाइक से उतरते हैं और ये लोग शान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और शान इन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चल गया। लेकिन तभी बाबा शान से बोलते हैं, अरे शान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर आकर मौज मस्ती कर रहे हो, वो भी जंगल में। क्या तुम्हें पता नहीं है ये जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जंगल है? और मुझे जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, नहीं तो तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे। और ये सब सुनकर शान बाबा को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से ये गुल्ली बुल्ली के घर आ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में इसकी स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया और फिर ये इसने एक आदमी को देखा जिसका नाम चुन्नी था और उसे वेंडिगो नाम के शैतान ने पकड़ लिया। वेंडिगो एक ऐसा शैतान है जो दूसरों की रूह को निकाल कर अपने साथ लेते जाता है और उन्हें मार डालता है। और ये सुनकर बुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा, ये शैतान तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, चलिए हम लोग घर चलते हैं। और ये सुनकर बाबा गुस्सा हो जाते हैं और बुल्ली बुल्ली से बोलते हैं, नहीं, हमें घर नहीं जाना, हमें उस चुन्नी को भी बचाना होगा, नहीं तो वो उसे भी मार देगा वेंडिगो। अब चलो शान, मुझे वेंडिगो के पास ले चलो। और इसके बाद शान इन तीनों लोगों को वेंडिगो के पास ले जाने लगता है और ये तीनों शान के पीछे पीछे वेंडिगो के पास जाने लगते हैं। काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं ये लोग। लगता है आज वेंडिगो का आखिरी दिन है। बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करते हुए बाबा शान के साथ वेंडिगो के पास जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को लगता है कि बाबा वेंडिगो को समझा देंगे जिससे वो समझ जाएगा और वो चुन्नी की जान छोड़ देगा। लेकिन इन्हें क्या पता ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और थोड़ी ही देर में ये लोग वेंडिगो के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही वेंडिगो के पास पहुंचते हैं, ये लोग देखते हैं कि वेंडिगो ने तो चुन्नी की रूह को निकाल लिया और चुन्नी भी मरा पड़ा हुआ है। और ये देखकर बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली वेंडिगो को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार वेंडिगो को देखा है। और तभी शान बाबा से बोलता है, बाबा, यही है वेंडिगो, इसने चुन्नी की रूह को भी निकाल लिया, अब इसे आप छोड़िएगा मत। और ये सुनकर बाबा भड़क गए और बस फिर क्या था, बाबा ने लगा दी दौड़ और ये लगा थपका। बाबा ने वेंडिगो को एक ही बार में ढेर कर दिया। बाबा को लगता है कि वेंडिगो मर चुका है और अब ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वेंडिगो उठने की कोशिश कर रहा है।
और ये देखकर बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और बस फिर क्या था, हो गया स्क्रीन मोड ऑन और बज गई होमिगो की पुंगी। और इसके बाद चुन्नी को भी होश आ जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप बुली बुली की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।